नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। टेलीकॉम कंपनियां अपने कस्टमर्स की जेब अब और ढीली करने जा रही हैं। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने रिचार्ज प्लान में 20 से 25 फीसदी तक का इजाफा कर सकती हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड प्लान में 20 फीसदी की बढ़ोतरी करती हैं तो 300 रुपए वाला रिचार्ज 75 रुपए बढ़कर 375 रुपए का हो जाएगा। इसी तरह 500 रुपए वाला रिचार्ज प्लान 625 रुपए का हो जाएगा और 1000 रुपए वाले प्रीपेड प्लान 250 रुपए बढ़कर 1250 रुपए हो जाएगा। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां अगले महीने से टैरिफ प्लान में 20 फीसदी का इजाफा कर सकती हैं। रिपोर्ट की माने तो अगर टैरिफ प्लान में इजाफा होता है तो वित्त वर्ष 2022-23 में टेलीकॉम कंपनियों की आय 20 से 25 फीसदी तक बढ़ सकती है। बता दें कि देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 6 महीने पहले ही दिसंबर 2021 में टैरिफ प्लान की कीमतों में 20 से 25 फीसदी का इजाफा किया था। ऐसे में अगर जून में टैरिफ प्लान में इजाफा होता है तो यह 6 महीने में होने वाली दूसरी बढ़ोतरी होगी। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए नेटवर्क और स्पेक्ट्रम में निवेश करने के लिए प्रति यूजर औसत रेवेन्यू में बढ़ोतरी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो टेलीकॉम सर्विस की क्वालिटी खराब होने की संभावना हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में प्रति यूजर औसत राजस्व यानी कि ARPU में 5% की धीमी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन साल 2022-23 में 15 से 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कायम है। तो फिलहाल की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बढ़ोतरी को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।